दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं हम कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों आज जो मैं आपको टॉपिक लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ एस्टीमेशन पार्ट से, कि क्या होता है एस्टीमेशन। इसके बारे में बहुत सारे इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है, लेकिन आज मैं इसको क्लियर वेरीफाई करूंगा। तो दोस्तों मैं हूँ इंजीनियर चेतन शर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो नोटिफिकेशन आइकन को जल्दी से प्रेस कीजिए, बेल आइकन को। जब तक प्रेस नहीं करोगे आप, तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट नहीं मिल पाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आता हूँ एस्टीमेशन पार्ट। देखिए एस्टीमेशन मतलब क्या होता है कि ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग बनने से पहले जो क्लाइंट को मुझे कॉस्ट देनी पड़ती है, मतलब क्लाइंट को पता रहे कितने का बजट आना है, ये सब एस्टीमेशन पार्ट में होता है। देखिए एस्टीमेशन करने के लिए हमें साइट पर आना जरूरी नहीं है, एस्टीमेशन करने के लिए हमें ऑफिस चाहिए और साथ में आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। उन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ड्राइंग से हम डाटा टेक ऑफ करते हैं, जिसे बोलते हैं क्वांटिटी टेक ऑफ। उस क्वांटिटी टेक ऑफ के लिए हम यूज करते हैं एमएस एक्सेल को। एमएस एक्सेल में क्या करते हैं, जो भी हमने डाटा फाइंड आउट किया है आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ड्राइंग से, वो सब डाटा को सॉल्व आउट करना पड़ता है हमें कहां पे, एक्सेल में। लेकिन कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ जाता है, सॉल्व करने के लिए चाहिए हमको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कि हमें पता होना चाहिए ये जो पीछे बिल्डिंग है इसमें कितने आइटम लग रहे हैं। आइटम मतलब कि जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं क्या क्या पहना हूं, ये ब्लेजर पहना हूं, यहां पर ये शर्ट पहना हूं, शर्ट के अंदर इनर पहना हूं, ये क्या है आइटम्स है जो मैंने आज पहना हुआ है। सेम इस बिल्डिंग में लगने वाले आइटम्स की सबसे पहले क्या लगेगा, साइट क्लीन होगा पहले, तो ये साइट दिख रहा है साइट को क्लीन करेंगे, देन यहां पर एक्सकवेशन करेंगे। ये क्या है आइटम्स होते हैं, ये आइटम्स जानने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जानना बेहद ही जरूरी होता है, इसके बिना हम एस्टीमेशन कभी भी नहीं कर पाते। अब मेजरमेंट कैसे लें, मेजरमेंट लेने के लिए हमें साइट पर नहीं आना है, क्योंकि एस्टीमेशन कब कर रहे हैं हम, जब बिल्डिंग में कुछ भी नहीं हुआ, तो हम उस टाइम क्या कर रहे हैं, एस्टीमेशन कर रहे हैं। एस्टीमेशन करते टाइम हमें क्या चाहिए, ड्राइंग्स की जरूरत पड़ती है, उन ड्राइंग्स से ही हम क्या करते हैं मेजरमेंट लेते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जान लिया, मेजरमेंट ले ली, अब क्या करेंगे एस्टीमेट करना स्टार्ट करेंगे। एस्टीमेट करने के लिए हमको चाहिए मोड ऑफ मेजरमेंट, अलग अलग तरह के मोड ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जो कि मैं अपने ऑनलाइन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में सिखाता हूं, अलग अलग तरह के मेजरमेंट्स की, मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है। यदि आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आप चले जाएंगे। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स दिखेगा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स। यदि आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स फ्रेशर्स वीक में चाहिए और फ्रेशर्स वीक का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको गुरुजी कूपन कोड लगाना होगा। गुरुजी कूपन कोड यदि आप लगाते हैं तो आपको ये कोर्स केवल 35,400 रुपए का कोर्स, जबकि मार्केट प्राइस की बात करूं तो 1.5 लाख रुपए होता है इसका कोर्स का, 1.5 लाख रुपए का कोर्स जो कि सिविल गुरुजी 35,400 में प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन फ्रेशर्स वीक में आपको वो गुरुजी कूपन कोड यदि आप लगाते हैं तो आपको यही कोर्स 9,000 रुपीज में मिल जाएगा। एस्टीमेशन पार्ट के लिए आपको कंप्लीटली वहां पे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के साथ साथ गवर्नमेंट एसओआर कि इस बिल्डिंग का बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे बनाए, तो बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना वहां पे एस्टीमेशन पार्ट में आपको कंप्लीटली सिखाया गया है। करीब 65 वीडियोस आपको मिलेंगे और साथ में 146 पेजेस के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा और भी आपके लिए बेहद ही साइट से रिलेटेड आपके लिए वहां पे लेसंस दिए गए हैं, अलग अलग टॉपिक्स कवर किए गए हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग इंजीनियरिंग, ऑटो कैड, रेविट आर्किटेक्चर, ई टैप्स, एमएसपी, ये सब पार्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में जो कि आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस मौके का फायदा उठाइए, तब तक के लिए बने रहिए सिविल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ।